स्टूडेंट्स, एज यू नो टुडे इज मंडे एंड डेट इज 11th. इन लास्ट क्लास वी रीड चैप्टर 1 इंडिया आवर कंट्री. ए कंट्री इज ह्यूज लैंडमार्क कंट्रोल एंड गवर्न बाय वन गवर्नमेंट. इंडिया इज आवर कंट्री. इट इज लोकेट इन साउथ एशिया. जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया क्या है, तो साउथर्न एशिया में स्थित है. और इट इज़ 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. इसमें क्या है, इंडिया का स्थान पूरे वर्ल्ड में क्या है, तो लार्जेस्ट मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का स्थान क्या है, 7th रैंक है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये 2nd नंबर पे है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. देखो इंडिया का मैप है. यहाँ क्या है, इंडिया. यहाँ पर आप देखो, यहाँ चाइना है. ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. आवर नेवर्स. इंडिया के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में लोग पढ़ना है. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ अदर कंट्रीज. दीज कंट्रीज आर आवर नेवर्स और नेबरिंग कंट्रीज. चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स. इंडिया अपने बॉर्डर को किस किस देशों के साथ शेयर करता है, वो कितने देश है, तो फर्स्ट चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव. ये सब क्या है, भारत के नेबरिंग कंट्रीज है. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर द नॉर्थ वेस्ट. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान किस साइड में, तो नॉर्थ वेस्ट में. हमारा नॉर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वेस्ट कहाँ, यहाँ. इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में है. यहाँ पे देख लो आप लोग मैप में, चाइना, भूटान एंड नेपाल आर इन द नॉर्थ. चाइना, भूटान किस साइड में है, तो नॉर्थ में है. यहाँ देखो आप लोग, ये क्या है, नॉर्थ साइड है. चाइना और भूटान इस साइड. मैप में आप लोग अच्छे से देख के समझ जाओगे. म्यांमार एंड बांग्लादेश आर इन द ईस्ट. और म्यांमार और बांग्लादेश किस साइड में है, तो ईस्ट में है. आप लोग देखो मैप में ईस्ट किस साइड में है, ईस्ट साइड में है, तो ईस्ट. श्रीलंका एंड मालदीव आर इन द साउथ. साउथ आप लोग देखो, साउथ किस साइड में, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट. साउथ देखो यहाँ पे आपका क्या है, श्रीलंका और मालदीव. चलो नेक्स्ट पेज में लोग देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हम लोग को. फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स. देयर आर द स्नो कैप, नॉर्थन माउंटेन्स दैट इज द हिमालयस. देयर आर द नॉर्थन प्लेन्स. दीज आर वाटर्ड एंड मेड फर्टाइल बाय द रिवर्स दैट फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन. ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है. ये हमारे क्या अरेबियन सी, यहाँ पे बियॉन्ग बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, यहाँ देखो पाकिस्तान हो गया, हिमालय हो गया, नॉर्थन प्लेस. दीज आर वाटर्ड एंड मेड फर्टाइल बाय द रिवर डैट फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स. टू द वेस्ट ऑफ इंडिया देयर इज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट. वेस्ट आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्या इंडियन डिजर्ट हो गया. द थर्ड डिजर्ट इज ए हॉट एंड ड्राई रीजन. कैमल आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेयर. थर्ड डिजर्ट में क्या पाया जाता है, तो कैमल पाया जाता है वहाँ. टू द साउथ ऑफ इंडिया देयर इज साउथर्न प्लेट्यू. यहाँ पे क्या साउथर्न प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू इज ए फ्लैट दैट लैंड दैट इज हायर दैट द लैंड अराउंड इट. द प्लेट्यू आल्सो कॉल्ड द ओल्ड डेक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय कोस्टल प्लेन्स ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट. द साउथर्न प्लेट्यू इज नोन एज इन पेंसुला विच मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन देन साइड द अरेबियन सी. अरेबियन सी देखो यहाँ पे लाइज इन द वेस्ट. अरेबियन सी किस साइड में है, तो आपके वेस्ट साइड में है. द बे ऑफ बंगाल इज द ईस्ट. बे ऑफ बंगाल आपके किस साइड में है, ईस्ट में है. और इंडियन ओशन, इंडियन ओशन साउथ में. यहाँ पर पूछा जाएगा कि इंडियन ओशन किस साइड में है, किस डायरेक्शन में है, तो आप लोग बता सकते हो कि साउथ डायरेक्शन में. नेक्स्ट पढ़ो. बिसाइड दिस मेनलैंड एरियाज इंडिया हैज़ टू मेन आइसलैंड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल वाइल द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी. अंडमान एंड निकोबार किस साइड में है, तो बे ऑफ बंगाल, जबकि लैंड लक्षद्वीप आइसलैंड किस साइड में, अरेबियन सी में है. नेक्स्ट आप लोग देखो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ ए वीक कंट्री. जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या, इंडिया बहुत ही बड़ा देश है विथ ई है ह्यूज पॉपुलेशन. यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है. ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया आर इनहेबिटेड बाई पीपल. दे आर ऑल इंडियंस एंड नीड टू बी टेकन केयर ऑफ द इंटायर कंट्री. इज गवर्नमेंट गवर्न फ्रॉम द सेंटर. द गवर्नमेंट इज दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिल्ली इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट.
ठीक है। बट सिंस द कंट्री इज सो बिग इट हैज़ बीन डिवाइड इंटू 28 स्टेट एंड इन बिफोर टाइम 29 स्टेट बट इन प्रेजेंट 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज। आप लोग अपने बुक में भी सही कर लोगे क्या, अब क्या हो गया 20 स्टेट हो गया और 9 यूनियन टेरिटोरीज हो गया। द नेशनल कैपिटल टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो ए यूनियन टेरिटोरी। इस स्टेट हैज़ गवर्नमेंट नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। द यूनियन टेरिटोरी आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स। नीचे क्या दिखाया गया है, स्टेट और कैपिटल्स है जितने भी स्टेट हमारे इंडियाज में वो, और जो भी यूनियन टेरिटोरीज है वो उसके स्टेट और कैपिटल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या होता है आप लोग सब ये याद कर लोगे, स्टेट कैपिटल असम का दिसपुर, चंडीगढ़ रायपुर। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद आप लोगों को जैसे पता ही है, गुजरात गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, केरला तिरुवनंतपुरम, वैसे ही आपको क्या 28 स्टेट का नाम याद है। यहाँ से आपको क्या करना, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है जो ये आपका यूनियन टेरिटोरीज हो गया, तो आपका एक स्टेट तो कम हो गया, तो क्या हो गया आपका 28 स्टेट हो गया और 9 आपका यूनियन टेरिटोरीज हो गया, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग स्टेट और कैपिटल नेम पूरे याद कर लोगे। नेक्स्ट आप लोग देखो, स्टेट कैपिटल ही है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। नीचे देखो, यूनियन टेरिटोरीज और उसके कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ चंडीगढ़, दादर नगर हवेली सिलवासा, दमन एंड दीव दमन, लक्षद्वीप कवरत्ती, पुदुचेरी पुदुचेरी। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ इंडिया दिल्ली न्यू दिल्ली, वैसे हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, एक लद्दाख हो जाएगा, तो दो मिलकर क्या हो गया 9 यूनियन टेरिटोरीज आपका हो गया, ठीक है। नीचे देखो क्यूक रिविजन में आप लोग यहाँ पढ़ लो, इंडिया इज सिचुएटेड इज साउथ एशिया। जैसे आप लोग पढ़े इंडिया किस साइड में स्थित है, तो इंडिया साउथ एशिया में स्थित है, ठीक है। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये सब क्या हो गया, इंडिया के पड़ोसी देश हो गए। द मेन फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया आर द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन्स एंड द ग्रेट रिजर्व, द साउथर्न प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को। चलो पूछा जाएगा पेंसुलिया, पेंसुलिया किसको कहते हैं, ए लैंड डैट इज सराउंड बाय द वाटर और थ्री साइड, तीन साइड से घुरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, पेंसुला प्लेटू, फ्लैट लैंड डैट इज हायर दैन द सराउंडिंग एरिया, डिजर्ट हॉट एंड ड्राई रीजन विथ ए फ्यू प्लेटू प्लांट्स। यूनियन टेरिटोरी ए रीजन इज इन आवर कंट्री डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आईलैंड इज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड, उसको क्या कहते हैं, वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइसलैंड। नेक्स्ट हम लोग देखो, नेक्स्ट हम लोग का होमवर्क क्या हो जाएगा ये, तो आप लोग को टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेबरिंग कंट्री देखो, जापान है नहीं है, इंग्लैंड है नहीं है, चाइना है, तो आप लोग क्या करोगे, चाइना में टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए डैश इज ए फ्लैट डैट फ्लैट लैंड डैट इज हायर दैन ही इन द लैंड अराउंड इन अराउंड इट प्लेटू। द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, डैश इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, डैश द डैश फ्रॉम फॉर्म द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थन प्लेस। वैसे आपको सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसको पूरे को फिल करना, ठीक है। और आप लोग का होमवर्क है, खुद से क्वेश्चन आंसर करोगे, बुक आप लोग ले चुके हो, खुद से क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो और सारे चैप्टर को ही कम्प्लीट, चैप्टर वन आप लोग का कम्प्लीट हो गया है, अब हम चैप्टर टू में जाएंगे। और आप लोग का एक और होमवर्क है, ऑन ए रूट आउटलाइन मैप ऑफ लैंड मार्क ऑफ लेबर एनी फॉर स्टेट इन डिफरेंट कलर। आप लोगों को क्या करना है, मैप बनाना, इंडिया का मैप बनाना और उसमें स्टेट सबका नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर टू, आज हम लोग चैप्टर टू को स्टार्ट करते हैं। वो पिछले वीक में आप लोगों का चैप्टर वन हो चुका था, उसे मैं रिविजन करवा चुकी हूँ और आप लोगों का चैप्टर वन कम्प्लीट हो गया। अब चैप्टर टू में हम लोग एंट्री करते हैं, द नॉर्थन माउंटेन्स, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, लर्निंग अबाउट द फ्यूचर एंड डिफरेंट रेंजेस ऑफ द हिमालयस, लर्निंग अबाउट द प्लेसेस एंड ब्यूटी पीपल इन द हिमालयस रीजन, लर्निंग अबाउट द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। ये सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या है, द नॉर्थन माउंटेन्स, द लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द नॉर्थन माउंटेन्स, दिस कंसिस्ट ऑफ द माइटी हिमालयस एंड द काराकोरम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ओके।
काराकोरम। द हिमालयज रैप अराउंड द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। हमारा क्या हो गया, नॉर्थ में हमारा क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, वेस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बताए थे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप लोगों को याद हो गया होगा। ये देखो क्या हैगा, पार्ट ऑफ द इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट ऑफ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश आप लोग देखो कि आप लोग अरुणाचल प्रदेश किस साइड में होगा, तो इस साइड में आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। और उसके बाद हो गया आपका क्या नेक्स्ट, द दे एक्ट एंड बैरियर्स अगेंस्ट द कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ दस मेकिंग के लाइफ कम्फर्टेबल इन इंडिया प्लेन्स। दे आल्सो प्रिवेंट रेन बियरिंग क्लाउड्स फ्रॉम बींग ब्लॉन अवे आउट ऑफ इंडिया। इस मैप को आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे इंडस हो गया, सिंधु नदी, यहाँ पाकिस्तान हो गया, हिमालय हो गया, यहाँ पे यहाँ भूटान देखो, यहाँ पे आपका हो गया इंडियन ओशन हो गया। तो मैप को आप लोग देखो कि अच्छे से समझोगे, एक बार मैप बना के सारे का नाम लिख लोगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलो हम लोग देखते हैं, और जो भी हार्ड वर्ड आपको लगेगा उसको आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, जो भी हार्ड वर्ड होगा उसको राइट डाउन करोगे। द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज लोकेट इन द हिमालयस, इट इज़ नेपाल, इट इज़ 8848 मीटर्स हाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन और केटू, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को ही हम लोग केटू कहते हैं, लाइज इन द काराकोरम रेंज एंड इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट इन इंडिया। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, काराकोरम रेंज ही है, जिसे हम केटू भी कहते हैं। सम ऑफ द स्टेट डैट लाई इन द हिमालयस रीजन आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द नॉर्थन पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। ये सब क्या है, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है। पूछा जाएगा कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थन पोर्शन ऑफ वेस्ट ऑफ बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। आप यहाँ फैक्ट फाइल में पढ़ो, तेंजिंग नॉर्गे एंड सर एडमोंड हिलारी वी आर द फर्स्ट क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द इन 1953 1953 ईस्वी में तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमर्ड हिलेरी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, ठीक है। इन 1948 बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट, और उसके बाद 1984 में बछेंद्री पाल ने सबसे पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो आप लोग से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये हो सकता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल, कब चढ़ी थी, 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो माउंट एवरेस्ट, ये क्या है हमारा माउंट एवरेस्ट, ये हो गया माउंट गॉडविन ऑस्टिन ऑफ केटू, ठीक है। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ द थ्री रेंजेस ऑफ माउंटेन, दीज आर द ग्रेट हिमालयस, थ्री ग्रेट हिमालयस है, फर्स्ट हिमाद्री, सेकेंड मिडिल हिमालयस और हिमाचल, सेकेंड थर्ड हो जाएगा द लोअर हिमालयस और शिवालिक्स। नेक्स्ट देखो द ग्रेट हिमालयस हिमाद्री, अब हम लोग को सबसे बड़ा जो हिमालयस जिसका नाम है हिमाद्री उसके बारे में पढ़ना है। द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस आर द ग्रेटेस्ट हिमालयस और द हिमाद्री, ठीक है। द रेंजेस रिमेन स्नो कवर्ड अराउंड द ईयर, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर टू पिक दैट आर लोकेट इन दीज रेंजेस, आवर ओवर द ईयर्स द स्नो ग्रेजुअली गैदर्ड इन टू थिक मासेस ऑफ आइस एंड स्नो क्लोड ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर ऑन दिस पीक द लोअर पोर्शन ऑफ दिस ग्लेशियर स्नो स्लोली ग्लेशियर स्लोली मेल्ट इन द हीट ऑफ द बिकेम वाटर। इंपॉर्टेंट रिवर सच एज द गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र आर बॉर्न आउट ऑफ दिस मेल्टिंग ग्लेशियर। द हिमाद्री रीजन इज सो हाई डैट पीपुल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लाइव देयर, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ग्रो एंड सर्वाइव देयर। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या हो गया, हमारे इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन से हैं, गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र और बोर्न एंड मेल्टिंग ग्लेशियर, सबका की उत्पत्ति क्या हुई, ग्लेशियर से हुआ है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में द मिडल हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। तो इधर ग्रेट हिमालय तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग का होमवर्क है अच्छे से चैप्टर वन चैप्टर टू को जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट करोगे और जो हार्ड वर्ड होगा उसको अच्छे से नोट डाउन करोगे।